मैं निकिता मीना metromirror.com से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक विशेष रिपोर्ट। एनडीए की आदिवासी महिला नेत्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार। कौन है द्रौपदी मुर्मू, आइए हम आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था। वह दिवंगत बिरंची नारायण टूडू की बेटी है। मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव के एक संथाल आदिवासी परिवार से आती हैं। उन्होंने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू 1997 में उड़ीसा के राजरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। 1997 से ही मुर्मू बीजेपी की उड़ीसा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बनी थी। मुर्मू राजनीति में आने से पहले श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम कर चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू ने 2002 से 2009 तक और सिर्फ 2013 में मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में 2 बार की बीजेपी विधायक रह चुकी हैं और वह नवीन पटनायक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी। उस समय बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार उड़ीसा में चल रही थी। उड़ीसा विधानसभा ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में भाजपा की मयूरभंज जिला इकाई का नेतृत्व किया था और उड़ीसा विधानसभा से रायरंगपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने मुर्मू के शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में आई हर बाधा का मुकाबला किया। पति और 2 बेटों को खोने के बाद भी उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम करने का 20 वर्षों का अनुभव है और वह भाजपा के लिए बड़ा आदिवासी चेहरा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।